दोस्तों, इस समय इर्तुगुल गाजी वेब सीरीज़ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा छाई हुई है और ख़ासकर ये इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चर्चा में है और इसी वजह से इंडिया में इसकी ऑडियंस दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस वेब सीरीज़ में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि हमें गलत दिखाई गई हैं? तो उन्हीं में से कुछ बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वेब सीरीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी सुलेमान शाह को अपने कबीले को लेकर कुछ ज़रूरी बातें करनी होती हैं तो वो हमेशा खाने के वक्त करी जाती हैं। लेकिन ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि काई कबीला इस्लाम धर्म को फॉलो करता है और इस्लाम धर्म में खाने के वक्त कोई भी बात करने को मना किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि असल में तो ऐसा नहीं होता होगा और दिखाए गए इन सभी सीन को राइटर ने अपने हिसाब से ऐड किया है। और वहीं दूसरी तरफ नोट करने वाली बात यह है कि खाने को चम्मच से खाते हुए दिखाया जाता है, जबकि इस्लाम में चम्मच से खाना खाने को भी मना किया गया है। इस्लाम धर्म के मुताबिक आप चम्मच से खाना तभी खा सकते हैं जब आपके हाथ में चोट हो या फिर कोई और जरूरी वजह हो। तो यहाँ पर शायद राइटर ने इन सभी सीन को प्रेजेंट टाइम के हिसाब से इस वेब सीरीज में ऐड किया है। इर्तुगुल गाजी वेब सीरीज में हम लोगों ने देखा कि सीजन 4 में हलीमा सुल्तान की मौत हो जाती है, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ था। हलीमा सुल्तान बुढ़ापे तक इर्तुगुल गाजी के साथ रही थी और बुढ़ापे में उनका इंतकाल हुआ था। और इस वेब सीरीज के राइटर ने भी खुद कहा है कि जब वो इस सीरीज को लिख रहे थे तब उनके पास हिस्ट्री के सिर्फ 7 पेज थे। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ 7 पेज की हिस्ट्री से इतनी लंबी स्टोरी को बनाने के लिए राइटर ने बहुत सी बातें अपनी तरफ से ऐड करी होंगी। और अगर आप लोग हलीमा सुल्तान के डेथ सीन के बारे में कुछ और अननोन फैक्ट जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर देना, और प्लीज़ किसी भी तरह से उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।